अच्छे अधिकारियों की बद्दी को जरूरत अच्छे कार्यों का मिला ये सिला। रातों रात हुई ट्रांसफर, हिम परिवेश संस्था ने कहा, मुख्यमंत्री और सरकार रोके इस तबादले को, नहीं तो बीबीएन बन जाएगा खंडहर। हिम परिवेश संस्था ने शनिवार को नालागढ़ विश्राम गृह में डीएसपी विजिलेंस के समर्थन में प्रेसवार्ता की। संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद ने कहा कि डीएसपी विजिलेंस योगेश दत्त जोशी का ट्रांसफर क्रैशर संचालकों के दबाव में किया गया है, क्योंकि उन्होंने एरिया में अवैध खनन को लेकर कड़े प्रयास किए हैं। एक एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें अवैध खनन से क्षेत्र को होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है, जिससे क्रैशर संचालक खतरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तबादले को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए ताकि अवैध खनन पर पूरा शिकंजा कसा जा सके। इस बैठक में संस्था के 10 से 12 पदाधिकारी मौजूद रहे। हिम परिवेश संस्था ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस महानिदेशक को भी एक पत्र लिखकर डीएसपी के तबादले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि डीएसपी में अपने कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। का मोटिव क्या है, किस मुद्दे को लेकर है, क्या है, क्लियर कर। हमने प्रधान जी ने अब तक करवाया कि डीएसपी साहब को हमने एक कंप्लेंट दी थी अवैध माइनिंग के, उन्होंने बड़ी निष्पक्ष जांच की इसमें, परंतु आज हमें जानकारी हुई प्रधान जी के माध्यम से कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि उनकी जो इंक्वायरी है उससे यहाँ पर्यावरण में हो रहा अवैध माइनिंग जिसके कारण नदियाँ बिल्कुल खराब हो गई है स्थिति, पुल सारे के सारे टूट रहे हैं, इवन तक जोगों वाले पुल अभी कुछ ही अगर एक दो बारिश और होती है तो टूट जाए। अभी भी कोई अंकुश नहीं है माइनिंग पे, रोजाना अवैध माइनिंग हो रही है। जितने भी टर्म एंड कंडीशन इनको माइनिंग के लिए अवैध माइनिंग के लिए दिए गए हैं उन सभी का ये नियम तोड़ते हैं और माइनिंग करते हैं। आज की डेट में भी जबकि माइनिंग बंद कर दी गई है लीज से भी, तब भी माइनिंग हो रही है। हमने डीएसपी साहब को एक कंप्लेंट की थी, उनकी तरफ से इसमें बड़े ही निष्पक्ष तरीके से जांच की गई थी। हमें तो ये लगता है कि ये जो उनकी ट्रांसफ़र है 100% सिर्फ अवैध माइनिंग जो ये क्रैशर ओनर है उनके दबाव में, उनके द्वारा सरकार पर प्रेशर किया गया है, उसी के कारण उनकी ट्रांसफ़र की जाए। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जो निष्पक्ष अधिकारी है हमारे बीबीएन से उनका तबादला ना किया जाए। हाँ जी, जो आज हिम परिवेश संस्था की बैठक हुई ये किस मोटिव को लेकर हुई? जो हमने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो भी कोई अच्छा ऑफिसर काम करने के लिए करता है उसको बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि हमारे डीएसपी विजिलेंस बड्डी, उनको अभी 2 साल भी नहीं हुए यहाँ आए हुए और उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत अच्छे काम किए हैं जिसका ब्यौरा हम अलग से दे रहे हैं, है जी। इसलिए मतलब जो है हम पुरजोर ये कहते हैं सरकार से कि ऐसे आदमी को की ट्रांसफ़र जो है वो इमीडिएटली कैंसिल की जाए ताकि पब्लिक में जो विश्वास जागा है वो कायम रहे। तो ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्या कारण आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या कारण रहा? जो बीबीएन में अधिकारी और भी है, कई विभागों के अधिकारी है, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की है? किसकी क्या, जो हम कंप्लेंट करते हैं चाहे एसडीएम को करें चाहे किसी और को करें डीसी को करें, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता। सैकड़ों जो कंप्लेंट हैं उनकी कॉपियां हमने दी थी उनको, विजिलेंस वालों को, उसका रिजल्ट ये निकला कि भाई उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से। तो किसके इशारे पे हो रहा है कुछ किसके इशारे पे हो रहा है, क्या इनके पीछे? देखो ये हम तो ये समझते हैं कि जो खनन माफिया है उसके इशारे पे ये काम हुआ है। क्या खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? राजनीतिक भी है और माफिया भी है, बीच में ये सब इकट्ठे ही हैं, इनको राजनीति मिले हुए हैं। ऐसा काम अगर सरकार करेगी तो उनके सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं तो सरेआम ये कहता हूँ कि सीएम साहब को इस मैटर में इंटरफियर करना चाहिए, जो फाइल उन्होंने बना के सरकार को भेजी है उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर सरकार की ट्रांसफर कैंसिल होनी चाहिए, अगर सरकार आपकी ये मांग नहीं मानती है तो हिम परिवेश तरफ से क्या कदम रहेगा? हिम परिवेश संस्था है, हम शुरू से पर्यावरण और खनन के खिलाफ 2002 से लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में जो यहाँ अधिकारी आते हैं वो मीटिंग नहीं बुलाते, जबकि हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि भाई मछली मीटिंग जो है वो सब डिविजन लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन ये लोग जो है
ये अपनी मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं कि क्या है हिम प्रवेश, क्या है हिम प्रवेश। हम बताएंगे इनको टाइम आने पर कि हिम प्रवेश का क्या मतलब है और हिम प्रवेश में क्या ताकत है। मान लो सरकार मिस्टर जोशी का तबादला रद्द नहीं करती तो हिम परिवेश संस्था का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है कि हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी।